Hi everybody. Your future self, your future self is counting on you. Do the right thing today. Today is 16 17th December 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. I can't do it. I can do it. The sky is not the limit the mind is. Remember, the mind is. Whatever we expect with confidence becomes our own self-fulfilling prophecy. सो दिस इज प्रिलिम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कोर्स यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स फॉरल फी ऑफ रुपीज डन डबल्टी एट ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को आपका एग्जाम है और ये सारा सिलेबस हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं देन इसमें वन टू वन सेशन बहुत टाइम से पेंडिंग था इसको रीबूट कर रहे हैं री स्टार्ट कर रहे हैं इवनिंग में आई एम ट्राइंग की जैसे फाइव टू सेवन पी एम का जो स्लॉट है ये टू आवर का स्लॉट एवरी डे फॉर नाउ आई एम ट्राइंग की इसमें मैगजिम वन टू वन सेशनस कंडक्ट हो पाएंगे ओके सो आई हैव योर ई मेल आई डीज़ आई हैव योर ई मेल आई डीज़ और आपने वो गूगल फॉर्म भी फिल कर दिया है गूगल फॉर्म तो आई विल कॉन्टैक्ट यू और इस टाइम पे हम अपना मीटिंग स्केड्यूल करेंगे ओके फाइव टू सेवन पी के बीच में ताकि फिर एट पी से हमारी रेगुलर लाइव क्लास हो जाएगी तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग न्यूज़ पेपर बिफोर फाइव पी एम एंड देन वी विल हैव दिस फाइव टू सेवन की विंडो में वन टू वन टॉक्स ओके इस सेशन में ये गूगल मीट सेशन होगा इसमें आप अपने डाउट्स स्ट्रैटेजी मेंटोरशिप एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस और ये एक्सक्लूसिव रहेगा केवल आप और मैं रहेंगे उस गूगल मीट सेशन में ओके ड है दिस ऑल इज इंक्लूडेड इन दिस प्रस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कोर्स एवरी थिंग इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड देर इज ओनली वन कोर्स डबल वन डबल वन और ये one -one, सब उसमें इंक्लूडेड है ओके नाउ दिस इज टेलीग्राम क्विज एवरी डे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग फाइव सर्च मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्वाइंग आज की वोकैबलरी है बाउंडली इसका मतलब है गोलमाल करना मेकिंग और कैरेक्टराइज बाय मेनी क्लम्स मिस्टेक ग्लोब ट्रॉटिंग है मतलब विश्व यात्रा किया है द एक्शन ऑफ ट्रेवलिंग वाइडली अराउंड द वर्ल्ड आंटान इसका मतलब होता है अ फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग जैसे ट्रिपल अंटान था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इनफॉर्मल अलाइंसिस स्क्रिमेज का मतलब होता है धक्का मुक्की करना अ कंफ्यूज स्ट्रगल और फाइट लोक्यूशन मतलब होता है मुहावरा अ वर्ड ऑफ फ्रेज स्पेशली विद रिगार्ड टू स्टाइल और इडियम सो आज के वो कैब वर्ड्स हैं लोक्यूशन स्क्रिमेज नी इम्पॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो लैंग्वेज प्रोफिशियंसी अच्छी रखिए मार्क माई वर्ड ये सिंगल मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है आपकी सिलेक्शन में ओके देन दिस इज क्विज नंबर टू वन जीरो the Battle of Plassey in 1757? The answer is Mir Jafar. Thomas Munro ne रेवतवारी system introduce kiya tha. मद्रास एंड बॉम्बे में रेयतवारी सेटलमेंट सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था अहोम डायनेस्टी असम की है एंड वाडिया डायनेस्टी है मैसोर का आज के सवाल है हु अबॉलिश द डूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बेंगॉल विच गवर्नर जनरल यूज टू कॉल हिमसेल्फ एज बेंगाल टाइगर हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स टू एक्सपैंड ब्रिटिश टेरिटोरीज इन इंडिया वो वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया सो दीज आर फाइव क्वेश्चन फॉर टूडे ये जो एग्ज़ाम फैक्ट सीरीज़ था इसको वीडियो रिकॉर्ड करने का मुझे टाइम मिल नहीं रहा है सो मैंने क्विकली ये पी डी एफ बना लिया है और इसको मैं शेयर कर रहा हूँ आज मैंने ये लेटर मॉर्न पीरियड शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन एंड गेट दिस पी डी एफ ओके ये जो वन लाइनर्स हैं ये वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो इसका फिलहाल अभी मैं पी डी एफ शेयर कर देता हूँ

पढ़ के ये इस सवाल का जवाब दीजिए इसमें अजम्शंस क्या है देन दिस इज सोशल मीडिया अपडेट तो सोशल मीडिया अपडेट इज अगेन अ रियली गुड सीरीज इसको हम कंटिन्यू करेंगे मीनवाइल वायल इंस्टाग्राम पर भी कुछ बहुत अच्छे जो इम्पोर्टेंट इनक्रेडिबल इंडिया जो प्लेसेस हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट्स हैं वो मैंने शेयर किए हैं उसको भी आप एक बार देखिए ये है पश्मीना शॉल पश्मीना शॉल बहुत अच्छी शॉल मानी जाती है क्वालिटी है इट रिक्वायर्स उल फ्रॉम अबाउट थ्री गोट्स गोट से होती है एंड इज इट इज हैंड एम्ब्रॉयडर्ड यूजिंग वेरी माइन्यूट थ्रेड्स अ गुड क्वालिटी पश्मीना शॉल कैन पास थ्रू अ फिंगर रिंग एक फिंगर रिंग मतलब दिस इज दैट दैट गुड क्वालिटी सो दिस इज़ पश्मीना शॉल ये कुछ ऐसी दिखती है लग्जूरियस फैब्रिक है नोन अराउंड द वर्ल्ड शमीना शॉल आर मेड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द लोकल काश्मी को यूज ऑफ इंट्रीट एम्ब्रॉडरी ऑफ कल्चर वी पे अवर ट्रीब्यूट टू द इंडियन रिवोल्यूशनरी राजेंद्र नाथ लेहरी जी सुप्रीम सेक्रीफाइस किया मेड फॉर अवर नेशन अनसंगरो हैं प्रोग्रेसिव था वॉज रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट देन ट्रिब्यूट है टू द इंडियन रिवोल्यूशनरी राजेंद्र नाथ लहरी जी ऑन इज डेथ एनिवर्सरीन डिड यू नो में यहां पर है ये अटारी सी दिस इज अटारी रेलवे स्टेशन अटारी रेलवे स्टेशन इन अमृतसर इज द ओनली रेलवे स्टेशन इन द कंट्री वेर इंडियन नीड अ वीजा टू एंटर हाउ मैनी कंट्रीज हाउ मैनी कंट्रीज हाउ मैनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद कैन यू आंसर कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं हम देन ये है फील्ड मार्शल सेम मानिक शो फाइव स्टार जनरल आप रहे हैं अनलेस यू नो एंड द मैन यू कमांड नो दैट यू नो योर जॉब यू विल नेवर बी अ लीडर लीडरशिप लीडरशिप स्टाइल्स देन कल हमने पढ़ा था कंचो के बारे में आज एक और बहुत औसम गेम है और इस औसम गेम का नाम है नोंदी तो नोंदी ऑल्सो नोन एज हॉप स्कॉच ये एक पॉपुलर गेम है इन इंडिया में This game requires the player to capture the most squares in a grid without touching the border. This border line. इसके और भी बहुत सारे नाम योग्य है Can you tell some other names, local names जिससे इस इस खेल को हम जाना जाते हैं? ये बड़ा पॉपुलर गेम है। This is a very fun game, popular game. So ये हो गया Games of India. अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में ये द हिंदू न्यूज़पेपर है दिस इज दिसंबर सिक्सटीन और दिस इज दिसंबर सेवनटीन दो दिन का पेपर आज हम देखते हैं तो लेट इस फर्स्ट स्टार्ट विथ दिसंबर सिक्सटीन न्यूज में जो हमारे सिलेबस की चीजें हैं वो हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है उसको समझना है तो जैसे ऑप्शन है नटराज आइडल्स स्टॉप्ड अब इसको आप कैसे लिंक करोगे कल्चर से लिंक करोगे आइडल अक्सर क्या होता है कि इंडिया से जो आइडल है आर्टिफैक्ट है मूर्तियां हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो वर्क है इनकी स्मगलिंग भी हुई है विदेश लेके गए अब इनको वापस इंडिया में लाने की भी एक मुहिम चालू होती है ऑक्शन ऑफ नटराज आइडल स्टॉप देन यहाँ पे आर एक्ट के बारे में है और फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप फाइनल है चाइना बिल्ज रोपवे रोड रोड नियर ट्राई जंन ट्राई जंक्शन क्यों है क्योंकि यहाँ इंडिया है नेप, इंडिया है और दिस चाइना है और भूटान है इंडिया चाइना भूटान तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाता है दिस इज सिलीगुरी कॉरिडोर सिलीगुरी कॉरिडोर इसको चिकन नेक भी बोलते हैं सिलीगुरी कॉरिडोर के थ्रू आप यहाँ पे फिर नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो दिस इज सिलीगुरी कॉरिडोर इसको अक्सर बैटल में चाइना एट टाइम्स ट्राई कर सकता है एज अ चोक पॉइंट की तरह चोक पॉइंट की तरह तो दैट इज वाई यहाँ सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है तो दिस इज सिलीगुरी कॉरिडोर ये हमारा स्टेट सिक्किम है और दिस इज डोकलाम प्लेटू तो डोकलाम प्लेटू मतलब भूटान दिस इज तिब्बत जो भी चाइना के पास है एंड दिस इज इंडिया तो यहाँ चाइना अपना स्ट्रेटेजिक मेनूवरिंग कर रहा है बीजिंग हैज बिन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अरेंजिंग एडिशनल डिप्लॉयमेंट अलॉन्ग द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ एलएसी नियर डोकलाम दैट सॉ फेस ऑफ इन 2017 तो सी चाइना का ना ये टैक्टिक्स भी है इंडिया को वो बिज़ी कर रहा है बिज़ी कर रहा है इस बॉर्डर एरिया में पहले गलवान हुआ अभी अरुणाचल में हमने देखा ना यहाँ डोकलाम पर भी हो रहा है अगेन टैक्टिक्स है सो बॉर्डर के जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर फिर से देखने को मिल रहे हैं तो लेटेस सी हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो ये है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडियन प्रेजेंस बढ़ाना है फौज वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल अलर्टेड रहना है एंड देन एनी टाइप ऑफ लाइक अगर है चाइना का तो हम उसको वार्ड ऑफ करेंगे स्टेट्स कैन इनेक्ट लॉज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ मिनिस्टर ने राज्यसभा में बताया तो यहाँ बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब आर्टिकल फोर्टी आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर

तो ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे तो हमारे संविधान में ये सलाहें ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि इंडिया को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 ने लिखा था कि स्टेट का एक काम करने का तरीका होगा शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पर काम आएगा जैसे कि फैमिली विल जॉइंट फैमिली पार्टीशन मैरिज डिवोर्स इनसे रिलेटेड जो भी मैटर होंगे वो सब यूसीसी के अंदर एक कॉमन एलैटी होगी पूरे इंडिया में तो एंट्री फाइव है लिस्ट थ्री ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट सेवन शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो स्टेट्स आर आल्सो एम्पावर टू लजिसलेट अपॉन देम तो देखो ये जो है ये एंट्री फाइव है यूनिफॉर्म सिविल कोड लिस्ट थ्री कॉन्करेंट है मतलब राज्य भी और केंद्र दोनों बना सकते हैं नियम तो जो राज्य है वो भी यूसीसी पे नियम बना सकता है तो दिस इज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी बात यहां पर है टिल न्यू सिस्टम कम्स वैकेंसीज विल बी एन इशू तो अभी जो टसल चल रहा है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लजिसलेटिव के बीच एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में दिस इज देयर जो कोलेजियम सिस्टम है इस पर डिमांड आ रहा है कि कोलेजियम शुड सिस्टम शुड बी नॉन लाइक इट शुड बी इन ओपन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ओपेक नहीं होना चाहिए सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू अब ये नेक्स्ट स्टेप्स ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है ड्रीम्स डाउट्स अबाउंट इन धारावी धारावी तो ये जो धारावी है ये मुंबई मुंबई में टॉल बिल्डिंग्स हैं फैंसी इन्फ्रास्ट्रक्चर है बट एक मुंबई ये भी है एक मुंबई ये भी है और यहाँ पर स्लम्स है सो द आइडिया इस स्लम्स में जो लिविंग कंडीशन होती है उसको बेहतर कैसे करें स्लम्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है कि स्लम्स को क्लियर कर दिया जाए दैट इज नॉट अ सोल्यूशन ऑल्टरनेट प्रोवाइड कराना भी ज़रूरी है क्यों ना यहाँ पर ऐसी बिल्डिंग्स बनी बनाई जाए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स और वहाँ पर पूरे स्लम्ब्स को अकोमोडेट किया जाए वट शुड बी द वे फॉरवर्ड बिकॉज कोविड नाइन्टीन में भी देखा था एट टाइम्स यहाँ पे हेल्थ इशूज़ आते हैं सिक्योरिटी इशूज़ आते हैं एट टाइम्स एंटी सोशल एक्टिविटीज़ भी होती है सो द पॉइंट इज़ कि ये जो एरिया है यहाँ बेटर सिविक अम्यूनिटीज़ कैसे प्रोवाइड की जाए सिविक अम्यूनिटीज़ तो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड बिकॉज धारावी इज़ वन धारावी जो है ये मुंबई का केस है बट हर मेट्रोपोलिटन में आपको ऐसे स्लम्स दिखेंगे तो व्हाट शुड बी द सोलूशन सोल्यूशन क्या होना चाहिए देन बैक टू पैंडोरा ये बड़ी औसम awesome मूवी लग रही है पहली मूवी आई थी टू थाउजेंड नाइन में अभी उसका सीक्वल आया है एंड लेटे देन दिस इज फोर्टीन महाराष्ट्र विलेजेस वॉन्ट टू मर्ज विथ बॉर्डर इन तेलंगाना अब देखो कुछ जो जिले हैं वो तेलंगाना के एडजेसेंट हैं तो वो चाहते हैं कि उनको तेलंगाना राज्य में इंक्लूड कर लिया जाए इज इट पॉसिबल क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू होगा या जस्ट लाइक सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से पॉसिबल है क्या इसमें राज्य की यस होना ज़रूरी है मैंडेटरी है आंसर तो जब इस तरीके से स्टेट रिओर्गेनाइजेशन होता है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू होता है क्या वहां पे स्टेट का यस स्टेट का अग्रीमेंट होना जरूरी है आंसर देन या फिर जो पार्लियामेंट है वो जस्ट लाइक दैट ऐसे उसको बना देगी चेंज कर देगी तमिलनाडु स्टॉप्स ऑक्शन ऑफ स्टोलन नटराज आइडल इन फ्रांस दैन दिस इज एडिटोरियल फर्स्ट एडिटोरियल है ओल्ड इज नॉट गोल्ड ओल्ड पेंशन स्कीम वर्क्स एज इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी बट इज इम्प्रूडेंट फिजिकल पॉलिसी डिलेड एंड मोरक्को रोड ऑन द होप्स ऑफ अरब इन अफ्रीका ऑलमोस्ट टू द वेरी लास्ट दिस इज अगेन वन थिंग स्पोर्ट्स को ना स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए अ डिलेड एंड ओके देन दिस इज द बिग मैसेज फ्रॉम दिस एंड रिफ्लेक्शन ऑन द फेडिंग प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से कोर पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ बहुत अच्छे फॉर्डर मटीरियल है विवेक कारजू साहब ने लिखा है सी सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी जुडिशरी मोन्टेस्क्यूक्यू ने भी यही कहा था कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन अ मैप फॉर गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी है गुड गवर्नेंस देन मोस्ट क्रूशियल फीचर इन दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शन एंड पावर ऑफ द थ्री ऑर्गन ऑफ द स्टेट पावर ऑफ द थ्री ऑर्गन ऑफ द स्टेट का सेपरेशन तो ये हॉलमार्क है रिपब्लिक का कि थ्री ऑर्गन्स हैव रेस्पेक्टेड द बाउंड्रीज सेट इन प्लेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन तो सी ऐसा नहीं है वन अपमैनशिप नहीं है ऑल द ऑर्गन्स आर इंपॉर्टेंट सो द पॉइंट इज कि जील टू सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द दिटीजन वन और द अदर मे बी टेम्पटेड टू तो ओवर स्टेप ओवर तो तो स्टेपिंग एट टाइम्स जैसे जुडिशरी ओवर एक्टिव जुडिशरी हो रही है नॉट गुड सो द पॉइंट इज कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये होना चाहिए और एक बाउंड्री ड्रॉ करना भी जरूरी है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का काम नहीं कर सकती एग्जीक्यूटिव अपने आप में जज साहब नहीं बन सकते सो देर हैजू बी ए सेपरेशन ऑफ पावर तो प्राइमरली यहाँ पे यही बताया है कि डेमोक्रेसी ब्लॉजम करती है जब उसके तीनों पिलर्स हैं, वो अपने अपने डोमेन पे वर्क करते हैं एवरीबडी उनका काम करते हैं लेजिसलेटिव जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव बट एट टाइम्स हम देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म इज वन थिंग बट जुडिशियल ओवर हो जाता है या फिर एग्जीक्यूटिव जैसे जुडिशरी के डोमेन में आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एनजेएसी को इसी बात पे क्वाश किया गया था कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है कोर्ट का इंडिपेंडेंस भी नहीं है तो वो चीज़ जो होती है अगर बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन रिपब्लिक जैसे एनजेएसी को इसी बात पे क्वाश कर दिया गया था और रीजन यही था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेंटेन होना चाहिए आप बताओ ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस जज किसी पर्टिकुलर केस में लिखा है क्या किस केस में अनाउंस हुआ था जो जिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस जज केस में अनाउंस हुआ था इज दिट इज दैट सम केस देन रिपब्लिक प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट है ये सब अबव पॉलिटिक्स होते हैं नो मैटर वाइस प्रेसिडेंट पहले किस पॉलिटिकल पार्टी में थे वंस यू आर अ वी पी यू आ वी पी वंस यू आर अ प्रेसिडेंट यू आर नॉट अ प्रेसिडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी यू आर अ प्रेसिडेंट ऑफ द एंटायर कंट्री ऑल पीपल तो दिस इज दैर प्लस जैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा में अगर टाई हो रहा है तो कास्टिंग वोट होता है कास्टिंग वोट फाइनल अगर टाई में देना है सिमिलरली स्पीकर इन लोकसभा तो द आइडिया इज़ इनका न्यूट्रालिटी भी ज़रूरी है एज द मैटर इज सब्जाइज इट वुड बी इम प्रॉपर टू कमेंट ऑन द इशू देखो कई बार मैं आपको जैसे बोलता हूं ना लेट लेटेस्ट वेट एंड वॉच वाई आईड डू दैट बिकॉज कई बार मैटर ना ऑनरेबल कोर्ट के पास में होता है जैसे ईडब्ल्यू एस का मैटर जब तक तो कोर्ट ने नहीं बताया हमने उस पर कोई भी कॉमेंट एज सच इन अप्रोप्रिएट या फिर अप्रोप्रिएट नहीं बोला बिकॉज वो मैटर अभी कोर्ट के पास है सो इट वुड बी इमप्रॉपर टू कमेंट ऑन दिस इशू अभी एनजीएससी का भी जो मैटर है ये भी अभी कोर्ट के पास है अभी रिव्यू पिटिशन वगैरह की बात है लेट लेट सी सी ओके तो द आइडिया इज कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है बैलेंस होना जरूरी है इट इज एन इंटरप्ले तीनों ऑर्गन के बीच में इंटरप्ले आर टी आई एक्ट फुलफिलिंग इट्स पर्पज आर टी आई काफी फैन फेयर के साथ आया था आर टी आई ने काफी अच्छे काम भी किए राइट टू इन्फॉर्मेशन बट एट टाइम्स इसको एज अ टूल भी यूज किया जाता है टूल भी होता है मिस यूज भी होता है उसका आर टी आई ज बैक टू द जंगल सेवनटीन दिन का ऑपरेशन था पैंडलोर मखना एलिफेंट था और इसको यहाँ पे कैप्चर किया गया ट्रैक्लाइज किया गया तो अगेन ये क्या स्टोरी है एनिमल और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देन द अमाउंट स्पेंट ऑन गवर्नमेंट एड्स इन दास्ट फाइव ईयर और इंडियन सिनेमा नो योर इंग्लिश आयरनी क्या होता है मतलब हम बोल तो रहे हैं बट उसका मीनिंग ऑल टूगेदर डिफरेंट है सो दैट इज एन आयरनी जैसे एक दिन बहुत बारिश हो रही है बहुत बारिश हो रही है इज लाइक परेशान तो हम उसमें बोलते हैं वॉट अ लवली डे तो दैट इज आयनिकल आयरॉनिकल इंपीरियस का मतलब होता है ओवर बियरिंग है आप थोप रहे हो आई हेट हिम फॉर हिज इम्पीरियस मैनर वन हु ट्राइज टू इम्पोज हिज विल ऑन अदर्स इन एन ऑफेंसिव मैनर अक्सर हम देखते हैं डिबेट में ऑफिसज़ में डे टू डे लाइफ में बी वी मीट सच पर्सन सच पर्सनैलिटीज़ जो अपने आपको सामने वाले पे थोपने की कोशिश करते हैं सो विच इज़ नॉट लाइक अच्छा नहीं है एन एम्पीरियस पर्सन इज़ वन हु ट्राइज टू इम्पोज इज़ विल ऑन अदर्स इन एन ऑफेंसिव मैनर तो इसके लिए ये वर्ड है एम्पीरियस ये कई बार एरोगेंस भी दिखाता है ही ऑलवेज कमांड्स इन एन एम्पीरियस टोन अब इम्पीरियल अलग है इंपीरियल मतलब रॉयल होता है इंपीरियल मतलब इट्स समथिंग लाइक रॉयल ब्रिटेन एन पावर पावर एम्पायर बनाया था उसने मैग्निफिशियन मैजेस्टिक में भी हम बोल सकते हैं जैसे इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी डिनर इट इज एन इम्पीरियल बैंकवे ही इज नोटेड फॉर इज इंपीरियल जेनरॉसिटी तो दैट इज इंपीरियलिज्म की तरह भी ये यूज होता है ओके okay? देन टर्न की प्रोजेक्ट है अक्सर हम देखते हैं ना गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ये रोड बनाई है ये डैम बनाया है ये टर्न की प्रोजेक्ट है टर्न की का मतलब होता है एंड टू एंड एंड टू एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर शुरुआत से लेके अंत तक सारी चीजें कर रहे हैं तो जैसे अपना प्रिलिम्स 2023 कोर्स है इसमें हम पूरा पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं तो दिस इज लाइक अ टर्न की प्रोजेक्ट ओके देन अबाउट एबोट का मतलब होता है लाई एडजेंट टू अनादर और शेयर अ बाउंड्री एज मतलब ऐसे जुड़ा हुआ है अ न्यू शॉपिंग मॉल एबट्स हिज प्रॉपर्टी तो ये इंग्लिश है इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज नीड अ न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम टू फिल वैकेंसीज अब सी लॉ मिनिस्टर साहब का फिर से स्टेटमेंट आया है हायर जुडिशरी और एक नया सिस्टम चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए Then, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया टेस्ट फायर अग्नि फाइव बैलिस्टिक मिसाइल विद फाइव थाउजेंड किलोमीटर रेंज तो ये अग्नि फाइव है अग्नि फाइव तो ये 5000 किलोमीटर रेंज मतलब सी फॉर चाइना मार्किंग अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू द कंट्रीज स्ट्रैटेजिक डिटेरेंस पीपल फेमेलियर विद द डेवलपमेंट सेट तो इसको जो शुरुआत है एपीजे अब्दुल कलाम साहब एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं उड़ीसा कोस्ट से ये यहाँ पे फायर हुआ सक्सेसफुल्ली ये फायर हुआ है पूरा चाइना यूरोप सब हमारी रेंज में वैसे भी ये जो रेंज बताई जाती है ये कम करके बताई जाती है एक्चुअल रेंज इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है हम स्ट्रेंथ को कभी भी शो ऑफ नहीं करते हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हैं दिस इज द डिफरेंस स्ट्रेंथ जो होती है ना ताकत दिखाने के लिए नहीं होती है ताकत इस्तेमाल करने के लिए होती है सो दिस इज सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट पोल बॉन्ड स्कीम नेक्स्ट मंथ तो अभी ये जो इलेक्टोरल पोल बॉन्ड एटसेट्रा इस पर अभी प्ली होगा न बी फाउंड गिल्टी ऑफ ग्राफ्ट ऑन सर स्टैशियल प्रूफ करबिंग एयर पॉल्यूशन इन इंडिया नीड्स एफर्ट अक्रॉस साउथ एशिया ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा फैक्ट इज क्लियर फैक्ट इज देयर की जो पॉल्यूशन है पॉल्यूशन और वो भी अर्बन पॉल्यूशन ये बहुत सीवियर है यूएस ने इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट बनाया है टू कंटेन चाइना ऐसा चाइना बोलता है चाइनीज एम्बेसिडर रिमेंबर हम इंडो पैसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं हम कभी भी एशिया पैसिफिक नहीं बोलते हैं. हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं इंडो ईरान एंड दिस इज अफगान सेंसेक्स 1.4 परसेंट टैंक हुआ सब्सक्रिप्शन टू गोल्ड बॉन्ड इश्यूज एंड स्पेस टेक स्टार्टअप दिस ओके सो ये तो हो गया सिक्सटीन का सेवनटीन का न्यूज़ देखते हैं सी ये बहुत इनप्रोप्रियट स्टेटमेंट आया है फ्रॉम दिस पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल सिटीज़ लाइक न्यूयॉर्क मुंबई पुलवामा पठानकोट एंड लंदन आर अमंग द मेनी दैट बियर द स्कार्स ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर सपोर्टेड एंड इंस्टिगेटेड टेररिज्म तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन मिस्टर अरिंदम बागची साहब ने यहाँ पे उसको काउंटर किया तो दिस इज़ देयर अब ये है हाई अलर्ट सिक्योरिटी पर्सनल है यहाँ पर राजौरी दिस इज जम्मू एंड कश्मीर तो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है दिस इज द प्रॉब्लम प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्ट्रेस दिया ऑन पीस इन फोन कॉल विद मिस्टर व्लादिमिर पुतिन तो मिस्टर व्लादिमिर पुतिन के साथ बात हुआ पीस पे अभी हुआ कि अगेन इंडिया का स्टैंड क्लियर है यूक्रेन वॉर में कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर अभी हम कोविड नाइनटीन से लड़ रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ रहे हैं और अभी कंट्रीज के बीच में वॉर इज नॉट राइट दिस इज नॉट द टाइम डायलॉग एंड डिप्लोमेसी होना चाहिए देन दिस इज बिहार इस पे आपने व्यू पॉइंट बताए थे कि ये जो लिकर बैन है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मैं जितने भी आपको ब्रेन स्टॉमिंग पे टॉपिक्स दे रहा हूँ ना ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं सेलेक्टेड क्वालिफाइड क्यूरेटेड टॉपिक्स हैं इन पे व्यू पॉइंट्स बनाइए यही चीज आपको एग्जाम में एक्चुअली में काम आएगी ओके देन दिस इज ई डब्ल्यू एस एडमिशन प्राइवेट स्कूल में भी होना चाहिए बास्किंग इन द सन तो ये स्कूल के बच्चे हैं और ये पिकनिक के लिए आए हैं इंडिया गेट में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने टेम्परेचर इतना बताया था बास्किंग इन द सन सन इज गुड सनलाइट में जाना चाहिए वाइटामिन डी देन दिस इज नेक्स्ट पेज काउंटरिंग टेरर एडिटोरियल में रेगुलर टॉक है कि ये जो टाइम है वो टेररिज्म का नहीं है ये जो टेररिज्म है ना इट इज़ अ फ्रेंकस्टाइन मॉन्स्टर इवन जो सोर्स है जहाँ ओरिजिन है ये उसको भी स्पेयर नहीं करता तो टेररिज्म की कोई जगह नहीं है मॉडर्न सोसाइटी में ओके देन मल्टीलेटरल मैकेनिज्म फाइनेंस टेरर के जो हैं एजेंडा होते हैं डबल स्टैंडर्ड होते हैं पॉलिटिसाइजेशन किया जाता है तो दिस इज नॉट राइट कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट जैसी चीज़ भी कुछ नहीं होती है तो यूएन को इसमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि जो नए फॉर्मेट ऑफ टेररिज्म हो रहा है ब्रेन वॉश जिस तरीके से किया जाता है आइडियोलॉजी फोर्स की जाती है उसको भी हम वर्कआउट करें देन दिस इज टर्की डेंजरस गैम्बल इलेक्शन रिजल्ट हैं पॉलिटिकल है अ चैनल अक्वायर्ड एंड डायलमा फॉर द स्टेक होल्डर्स यहाँ अभी प्राइमरली बात है कि जो न्यूज़ है न्यूज़ को अपॉलिटिकल होना ज़रूरी है न्यूज़ को न्यूज़ रहना चाहिए प्रोपोगंडा ड्रिवन नहीं होना चाहिए तो द आइडिया जब से टेक्नोलॉजी का अभी हुआ है डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है यूट्यूब एट्सेट्रा तो क्या होता है कि एक एक ऑथें authentic, जो ऑथेंटिसिटी है या अकाउंटेबिलिटी है वो मिसिंग है ऐसे आप न्यूज़ चैनल टीवी चैनल को लेते हो तो उसमें प्रॉपर लाइसेंसिंग वगैरह चाहिए होता है पर्सनल अकाउंट से इफ़ यू आर एक्टिंग लाइक अ न्यूज़ चैनल देन अगेन उसमें एक अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए डायलमा फॉर द स्टेक होल्डर्स प्लस जैसे न्यूज़ जो होता है ऑनरशिप के हिसाब से जो उसमें अगर चेंजेस आ रहे हैं इन सब चीजों को यहाँ पे पता है द होल आइडिया इज कि जैसे न्यूज भी होता है न्यूज हैज टू बी रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल एंड फैक्ट बेस्ड होना चाहिए फैक्ट बेस्ड होना चाहिए फोर्जिंग अ कनेक्ट अमंग अलोंग द घाट्स तो घाट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक छठ पूजा होती है छठ पूजा उसमें बड़ा इंपॉर्टेंस है घाट एंड दिस रिवर एंड दिस वाटर का पॉन्स एटसेट्रा एवरी थिंग फोर्जिंग अ कनेक्ट अलोंग द घाट्स सी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑन टू कर्ब चाइनीज लोन ऐप्स दिस इज ऑल्सो वन थिंग पिछले कुछ टाइम से डिजिटल लैंडिंग एप्स बहुत सारे बढ़ गए थे इनमें फ्रॉडिल एंड प्रैक्टिस भी देखने को मिली तो फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्टिव हो गया है और इन सब को चेक कर रहा है और ये सूओ मोटो कॉग्निजांस लिया है सोओ मोटो का मतलब क्या होता है जानस लिया है तो अक्सर फ्रॉड्स हुए हैं यहाँ पे ऐप के थ्रू जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है, है वो इेगुलर आया गया है तो इसके लिए कोऑर्डिनेटेड ऐप चाहिए

1.3 टेराबाइट का डेटा एनक्रिप्ट हुआ है फाइव सर्वर्स अफेक्टेड इन एम्स रेंजम वेयर अटैक एम्स में जो भी अटैक हुआ था इसके लिए एक बॉडी आती है सर्ट इन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है इस पर एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी दैन चाइना इज एक्सपैंडिंग मॉडल विलेजेस इन स्ट्रैटेजिक एरिया चाइना का गेम प्लान क्या होता है कि एक विलेज बना लो दो तीन मकान बना लो फिर एक कोई पुराना मैप लेके आओ और बोलो ये एरिया तो एंशियंट चाइना है दिस एरिया बिलोंग्स टू वन चाइना एंड दिस एरिया इज चाइनीज चाइनीज टेरिटोरी ऐसा स्ट्रैटेजी होता है तो अभी बहुत सारे नए नए विलेजेस बन के आ रहे हैं बॉर्डर एरिया में वहाँ इंफ्रा बन रहा है एक नया विलेज आ गया सिल्लीगुड़ी के पास तो दिस इज अ प्रॉब्लम दिस इज अ प्रॉब्लम इससे वॉयेंस हुआ है तो ईस्टर्न आर्मी कमांडर ने यहाँ पे क्लियरली इस बात को उठाया तो देट इज़ वाई इंडिया को यह मैच करने की जरूरत है बॉर्डर एरिया गार्ड करने की जरूरत है गार्ड करने की जरूरत है वहाँ पे हम ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जो हमारे वहाँ पे प्लेटून है जो हमारे पोस्टिंग है वहाँ पे उनमें ऑल वेदर रहे ताकि हम उसको ट्वेंटी फोर सेवन 12 ट्वेल्व मंथर ईयर उसको हम प्रॉपरली गार्ड करें इंडिया के साथ एक और प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया के जो बॉर्डर बॉर्डर विलेजेस है वहाँ डी हो रहा है दिस इज अ कॉज ऑफ वरी चाहे वो पाकिस्तान है या फिर चाइना है डी पॉपुलेशन ऑफ बॉर्डर बॉर्डर एरियाज बॉर्डर विलेजेस इज अ डिफिकल्टी पेसिमिस्टिक व्यू है ग्रोथ रेट पे अपसी ये है दिस इंडियन लाइन एंड बियर रशियन बियर नरेंद्र मोदी जी ग्रीट्स व्लादिमीर पुतिन बिफोर अ मीटिंग एट हैदराबाद हाउस इन न्यू दिल्ली सी रशिया जो है ना ट्रेडिशनली अच्छे टाइज रहे इंडिया के रशिया के साथ एक फ्रेंडली टाइज रहे प्राइम मिनिस्टर एम्फेसाइजेज नीड फॉर पीस डायलॉग इन फोन कॉल विद मिस्टर पुतिन तो लीडर्स ने यहाँ पे डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर एनर्जी ट्रांसपोर्ट डिफेंस अब देखो ये जो वर्ड्स है ना ये कॉमन वर्ड्स है चाहे आप इंडिया वर्सेस रशिया बोलो इंडिया वर्सेस अमेरिका इंडिया वर्सेस ईरान इंडिया एंड लाइक इंडिया एंड सऊदी हर जगह ये कॉमन पिलर्स है सब हेडिंग्स है तो हमेशा ये पिलर्स रेडी रखने चाहिए इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर एनर्जी ट्रांसपोर्ट डिफेंस वेन आपसे पूछा जाए इन दो कंट्रीज के बीच में आप रिलेशन्स को डिफाइन करो तो आप इन चार पांच पिलर के ऊपर डिफाइन कर दो रेडीमेड आपका एक टैंपलेट है दिस इज़ अ गुड टैंपलेट तो पीस एंड डिप्लोमेसी को जगह दें यहाँ पे और बात हुआ इन्वेस्टमेंट डिफेंस इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करें फंडामेंटल असैसमेंट रशियाज लाइन का भी यूक्रेन वॉर यूक्रेन वॉर से वर्ल्ड को डिफिकल्टी हुआ है म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट जरूरी है एनर्जी कोऑपरेशन जैसे सिक्सटी डॉलर से भी कम पे रशियन ऑयल इंडिया आ रहा है विच इज अगेन अ गुड थिंग तो रशिया एक एनर्जी का बहुत बड़ा सप्लायर है और इंडिया को एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी है लेटेस्सी ओवरऑल यहां पे कॉर्डेल टॉक्स हुआ क्लोज कोऑर्डिनेशन है और रशियन एंबेसी से भी एक स्टेटमेंट आया है कि जो जी ट्वेंटी मीट इंडिया में होगा उसमें मिस्टर पुतिन विल बी हियर 2500 ईयर ओल्ड पजल सॉल्व बाय इंडियन स्टूडेंट तो इंडियन स्टूडेंट ने इसको सॉल्व कर लिया फैंटेस्टिक देन एन जापान शेक्स अप इट्स डिफेंस पॉलिसी वॉर्न ऑफ चाइना थ्रेड सी जापान का डिफेंस बजट बढ़ रहा है जापान वैसे यूएसए के कवर के अंदर आता था प्रोटेक्शन के अंदर आता था बट अब जापान खुद भी स्ट्रांग बनने की यहाँ पे ट्राई कर रहा है जापान शेक्स अप इट्स डिफेंस पॉलिसी वॉन्स ऑफ चाइना थ्रेड जापान को लाइटली नहीं लेना चाहिए वंस अपॉन अ टाइम 1945 वर्ल्ड वॉर टू जापान एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर होता था तो गवर्नमेंट अब टू परसेंट ऑफ जीडीपी 2027 तक जीडीपी डी दो प्रतिशत स्पेंड करेगी दिस इज अज नंबर नए मिसाइल एंड कार्स दिस फार फ्लंग एनिमी लॉन्च साइट होगा तो आर्सेनल जापान अपना रेडी कर रहा है जापान जापान चाइना शिप इन टू पैसेफिकमिट जापान मूव ट्रेडिशनली जापान और चाइना बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं रहे दोनों के बीच में दिस वॉर्स भी हुए हैं रशिया फायर मिसाइल्स बराज एट यूक्रेन एनर्जी नेटवर्क ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया जर्नलिस्ट हु रोट अबाउट मस्क एक्चुअली क्या होता है यह एक वर्ड है डॉक्सिंग जिससे कोई सेलिब्रिटी है या फिर नोन पर्सन है प्रोफाइल है उसका सोशल मीडिया एट्सेट्रा अगर हम कॉन्टीन्यूसली उनको स्पैम करें या फिर कॉन्टीन्यूसली उनकी लोकेशन वर्क एट्सेट्रा हम रियल टाइम उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री कर रहे हैं तो क्या ये सही है या गलत है ये गलत है बिकॉज यू आर इंक्लूडिंग इन देयर प्राइवेसी यू आर इंक्लूडिंग इन देअर प्राइवेसी तो ये जो डॉक्सिंग है जैसे एलॉन मस्क कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और उससे रिलेटेड सारा डेटा शेयर हो रहा है दिस एंड देट एट टाइम्स हम जो होता है पापाजी भी होता है वो इवन फैमिली को ट्रेस करने लग जाता है तो विच इज़ नॉट राइट विच इज़ नॉट राइट इवन दो दे आर लाइक सेलिब्रिटीज टॉप सी ओज एटसेट्रा दे डिजर्व अ सर्टेन प्राइवेसी प्राइवेसी सबका फंडामेंटल राइट होता है

और टूरिज्म ये दोनों बहुत बड़े एरिया है जिसपे मास स्केल में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और वही हमें जरूरत है नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा चाहिए अपैरल और टूरिज्म देन कंस्ट्रक्शन में भी बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज ओके तो ये तो हो गया अपना द हिंदू न्यूज अब हम क्विकली आते हैं आपके आंसर सबमिशंस में थर्टींथ ऑफ दिसंबर 2022 आज आंसर राइटिंग का ऑफ है प्रीवियस सबमिशंस में हम यहाँ देखते हैं देखो आंसर राइटिंग में हमें जैसे मैथ्स की बात करते हैं मैथ्स में हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यू नो दिस फॉर्मूला अब इसके बाद जितनी भी बाकी की चीज़ें हैं ना इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस तो सिमिलरली आंसर राइटिंग में आपको बेसिक्स पता चल गए जो लिखा हुआ है उसी के आसपास लिखना है जो सवाल पूछा है जो सिलेबस में है उसके आसपास लिखना है राइटिंग अच्छी रखने की कोशिश करना है जल्दबाजी ऐसे नहीं करना है कि खुद ही को समझ में नहीं आ रही है अननेसेसरी चीज़ों को बहुत क्लटर भी नहीं करना है हमें हमें जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना चाहिए हमें जो इंपॉर्टेंट है उसकी हेडिंग सब हेडिंग करना चाहिए हमें मार्जिन के अंदर ही लिखना चाहिए डायग्राम बनाना चाहिए नीट एंड क्लीन वेल प्रोपोर्शनेट होना चाहिए बॉक्स के अंदर आप डायग्राम को बनाओ मैप को प्रॉपर बनाओ ये सब छोटी छोटी चीज़ें जल्दी जल्दी लिखना कोशिश करो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करो आपका ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी हो जाएगी या जितने भी स्टूडेंट्स हैं सम आर रियली गुड और वो पता है क्यों है बिकॉज इन द पास्ट से स्कूल और कॉलेज में उन्होंने काफ़ी इस पर एफर्ट्स डाले हैं बट दैट डजेंट मीन कि अगर आप हाथ से स्टार्ट करो तो आप करेक्ट नहीं कर पाओगे आप हाथ से भी स्टार्ट करो आपका बहुत जल्दी विद इन टू थ्री मंथ सारी हैबिट्स करेक्ट हो जाएगी बट यू हैव टू स्टार्ट यू नो एवरी थिंग द पॉइंट इज टू एग्जीक्यूट द पॉइंट इज टू एग्जीक्यूट ओके So दीपाली ने बहुत अच्छा लिखा है दो सवाल थे अब देखो कितने आसान थे ईसीआई ओपन योर बुक डन यहां आपको दिमाग लगाना था ब्रेन स्टॉमिंग की क्या हर सिटीजन को नेशनल पब्लिक सर्विस मैंडेटरी कर दी जाए ये एक सवाल था अब सी ईसीआई पे देखो कितना अच्छे से अंडरलाइन है हेडिंग है आर्टिकल्स है सब समझ में आ रहा है अच्छे से फेंटेस्टिक रिमूवल पावर सो so थिंग that, जो हमें करने की जरूरत है प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको सब आता है अब उसको प्रैक्टिस करके दिखाओ लिख के बताओ नंदनी रियली गुड सी देखो सीधे ने कितना अच्छा लिखा है आर्टिकल्स लिख दिए और लिखते हैं तो याद भी हो जाती है चीजें फैंटेस्टिक वेरी नाइस देन आदिति ने ब्रेन और ये कॉमेंट्स ना आप वहां पर भी यूट्यूब में भी पोस्ट कर सकते हो ओके okay? यूट्यूब में भी आप पोस्ट कर सकते हो ओके okay? तो ये है ब्रेन स्टॉमिंग आप देखो कितने प्रोज कॉन्स क्या रिलेटेड है नुएंसेस क्या है ये सब डिस्कस किया हमने ये बड़ा बर्निंग टॉपिक बना हुआ है ये अभी कि क्या नेशनल पब्लिक सर्विसेज जो है उसको हम मैंडेटरी कर दें क्या इसराइल या बाकी दूसरी कंट्रीज़ की तरह क्या करना चाहिए इस पर बिकॉज एट टाइम्स जैसे प्रेसिडेंट मैम ने भी बोला था कि यू हैव टू लाइक नो योर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका भी कुछ कर्तव्य है कंट्री के प्रति तो दिस इज़ गुड देन यहाँ पे बताया है क्या कंपलसरी पब्लिक सर्विसेज होना चाहिए सी विद डेटा विद फैक्ट्स बताया है यूनिटी आएगा एक माइंडसेट डेवलप होगा एक ऑनरशिप आएगी कंट्री की गुड रत्ना प्रिया दिस इज गुड ये सारे आर्टिकल्स कंपाइल कर दिए भारत निर्वाचन आयोग इसका लोगो भी बना दिया फेंटेस्टिक प्रियंका दिस इज गुड पब्लिक सर्विस देन चैलेंजेस वेरी नाइस दिस इज रियली रियली गुड चंदन अब बहुत अच्छा लिख रहे हो प्रियंका इसको कंटिन्यू करना है चंदन देखो चंदन ने भी बहुत अच्छा लिखा है वेरी नीट एंड क्लीन वर्क फेंटेस्टिक आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो मैंडेटेड नेशनल पब्लिक सर्विस होना चाहिए सी तो इसमें क्या करना है आर्ग्यूमेंट्स बताने इसका कुछ सही गलत नहीं है आर्ग्यूमेंट्स बताओ बस आर्ग्यूमेंट्स बताओ कि आपको क्या सही लगता है और क्यों लगता है दैट्स ऑल देन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया और वेरी नाइस देन सुंदर ने नेशनल पब्लिक सर्विस वेरी गुड यहां गुड मैंडेटरी नहीं हो तो एटलीस्ट उनको जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी नहीं किया गया उसके लिए पेनल्टी भी नहीं है बट एनकरेज करने के लिए किया गया तो गुड रश्मि ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है इलेक्शन कमीशन गुड इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे और ईसीआई से रिलेटेड चैलेंजेस भी देखेंगे वेरी गुड आंसर नीट एंड क्लीन फेंटेस्टिक अमरजीत ने हिंदी में लिखा है सी संरचना भूमिका चुनौती ये अच्छी स्टाइल है देखो विजुअल्स अच्छे हो गए तो ऐसे विजुअल्स भी सीखो आप कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करो सी संविधान देन दिस सामान्य नागरिक एंड अब देखो अध्यापकों की सैनिकों की एल्डर्स की जिम्मेदारी गुड अफसाना देखो कितनी अच्छी कॉपी हो गई आपकी आई एम वेरी हैप्पी दिस इज वेरी वेरी गुड कॉपी नीट एंड क्लीन सिस्टमैटिक वेरी गुड प्रेजेंटेशन सी बस अब यही आप मेंस में लिख देना बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा आपका मारुति दिस इज गुड सी कितना अच्छा अब देखो ये स्टाइल भी अच्छा है वेरी नाइस वे फॉरवर्ड वेरी गुड शुभांगी शॉर्ट नोट्स आप बहुत अच्छे बनाते हो रिवीजन में ही आपको बहुत काम आएगा बहुत काम आएगा ये चीज़ें पन्ने पलटाने होंगे और ये सारी चीज़ें याद आ जाएगी आपको एक्सेलेंट विमल अगेन रियली गुड कॉपी वेरी प्रैक्टिकल कॉपी रियल एग्जाम में कुछ ऐसा ही आप लिखने वाले हो दिस इज रियली रियली गुड सी सारे पॉइंटर्स लगा दिए वेरी नाइस अदिति इलेक्शन कमीशन गुड वेरी गुड सुप्रिया दिस इज अगेन गुड कंपोजिशन एट्सेट्रा वेरी नाइस सी गाइडिंग प्रिंसिपल ओके तो आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो द आइडिया इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस द मोर प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस ओके आज आंसर राइटिंग का ऑफ है इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ